औपचारिकता होती है, वही अब आदमी है जो कि बदलापुर में उनकी एक अलग पहचान है। बदलापुर को एक नया रूप जो मिला है वो आपकी ही देन है। आप हमारे सेंटर पे हम जब भी बुलाते हैं हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। अभी दीदी जी से जैसा कि हमने एक रैली आयोजित की थी यहाँ पे महाशिवरात्रि के अवसर पर बदलापुर अपने नगरवासियों को शांति का संदेश देने के लिए, जिसमें हमारे शिवसेना शाखा प्रमुख बामन दादा महात्रे ने आकर इसका उद्घाटन किया था और रैली लगभग एक सफलतापूर्वक अपने करते हुए अच्छा संदेश देते हुए लोगों के बीच हम गुजरे। तो हम भी अपनी संस्था की तरफ से अपना कुछ योगदान देते ही रहते हैं, चाहे व्यसन मुक्ति के कार्यक्रम हो या समाज की कोई और सेवाएं हो, लोगों को अध्यात्म। और हम कहना चाहेंगे कि विगत 20 वर्षों से हम लोग इस सेवा केंद्र के माध्यम से बदलापुर की एक सेवा कर रहे हैं और हमें उमरी ये आप लोगों ने जो प्रोग्राम आयोजित किया है, इस प्रोग्राम में उपस्थित दीदी आप सभी भाई और बहनों से बोले तो मैं दर्शन लेने के लिए आया हूँ, मैं आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया। तो आपने जो बोला वो मैं थोड़ा रिकॉर्ड करके बोलता हूँ कि आप सबका दर्शन हो जावे तो मुझे शांति मिलती है और शांति का संदेश ही ब्रह्मा कुमारी है। और इसके लिए आप लोग जो प्रार्थना करते, दीदी जो प्रार्थना करते, उसमें ही हम लोग को ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा हमेशा मिलता रहे और ये बदलापुर होए या कहाँ भी कुछ काम होए उसमें सफलता मिले, इसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद होना मांगता है। आप लोगों के आशीर्वाद से 33 साल से मैं बदलापुर में काम के सरपंच से अभी तक जो काम कर रहा हूँ, तो जो यहाँ पुराने लोग होंगे, पहला बदलापुर एक गाँव था छोटा सा, अभी शहर बन रहा है, शहर बनते बनते कुछ दिन में कॉरपोरेशन बनेगा, इतनी आबादी बढ़ रही है इधर, इतने बाहर के लोग आ रहे हैं, लेकिन डेवलप बहुत अच्छी तरह से अपन करते, उसका यही कारण है कि आप लोग हमेशा आशीर्वाद रखते हैं। आखिर में हम लोग का तो ये फर्ज है कि हम लोग ने काम करना होता है, लेकिन आप जो काम करते हैं वो अलग है। आज रास्ते जो दिखाते हैं ना, तो रास्ते में चलने वाला जो है वो सीधे रास्ते में जाता है, लेकिन कोई रास्ता दिखाने वाला मांगता है तो जो रास्ता आप लोग दिखाते हैं हम लोग वो रास्ते से चलते हैं और इसके लिए हम लोग जगह पे जाकर विकास करने का प्रयास करते हैं। हमेशा बदलापुर में ये शक्ति रहे। दीदी आज कल्याण की दीदी भी फुरबाड़ में आ रही है, वहाँ भी एक प्रोग्राम है मेरा, तो आज का दिन कम से कम 3-4 जगह पे मेरा प्रोग्राम आपके लोगों के साथ में, आप सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ और मैं आप सबका इजाजत लेके रुकता हूँ। के अनुसार हम इसका सफल बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज ये बाबा का ध्वज हम चाहेंगे कि हमारे माननीय आमदार श्री किशन कथोरी साहब जी इसका अपने हाथे से इसको खड़े हैं। बदलापुर में हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे अच्छे बुरे के सोचने वाले हैं, इसलिए जो भी कहेंगे वो आशीर्वाद ही होगा हमारे लिए, चाहे आप जो भी कहें। हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आग्रह करते हैं कि आप अपने घर को
शांति की किरणें फैलाएगा और हम अपनी अपनी सेवा कराएंगे। आज शिवरात्रि पर हम सभी ये संकल्प लें कि आज पूरे दिन दिल से मैं बिल्कुल आभारी हूँ कि एक अच्छे दिन अच्छी शुरुआत और अगले साल अच्छा जावे, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी आज जो पूरे दिन आप काम कर रहे हैं, आज का दिन एक महान दिन है और ये महान दिन में महान दिन की शुरुआत ये महान काम से होती है और आपको भी और हमें भी जो ऊर्जा मिली है वो दीदी आप सब के पास पहुंचाएंगे और हम भी हमेशा प्रयत्न करेंगे कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो जाए कि बदलापुर सुख शांति मिले और बदलापुर केवल बदलापुर नहीं पूरे विश्व में अपना नाम हमेशा यही रहे कि शांति का संदेश देने के लिए प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के सभी हमारे जो भाई और बहनें सब वो काम करते हैं उस पर और अच्छी तरह से उम्मीद मिले यही करता हूँ और आपको भी काम करता हूँ। प्रभु